अगर आप शराब के नशे में वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भदोही के इस खबर से आम लोग और खासकर युवाओं को सबक लेना चाहिए, जहां शराब के नशे में निजी कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके से ट्रैक्टर सहित चालक फरार हो गया, तो वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। हालांकि दोनों युवकों के इस दर्दनाक मौत का कारण शराब का सेवन बताया जा रहा है। अगर ये होशो आवाज में होता तो शायद इनकी जान बच सकती थी, लेकिन नशे में होने के कारण बाइक और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई और बाइक सवार दोनों युवक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गए। सर में चोट लगने और नशे में होने के कारण दोनों किसी को सहायता हेतु ना तो बुला सके और ना ही किसी को फोन कर सके, जिस कारण उनकी मौत हो गई। भदोही से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है सर जी कि ये लोग पेहाई में गए थे पूरी खाने अपने जीजा के यहाँ, वहाँ से रात के करीब 7:30 और 8 बजे के करीब लौटे थे। वहाँ से करीब 1 किलोमीटर आए थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मौके पर कोई नहीं था और वहाँ के लोग बताया कि ट्रैक्टर थी उससे एक्सीडेंट हुआ है। और सूर्यामा थाना अंतर्गत भावापुर गांव के पास दो लोगों का एक्सीडेंट हो गया है मोटरसाइकिल से, और जो आसपास के लोग हैं उनका बताना है कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है। दोनों के सर में काफ़ी चोट लगी है और संभवतः उसी से उनकी डेथ हुई है। जब इनका पंचायत नाम भरा जा रहा था तो इनके जेब से शराब की बोतल भी आती मिली है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी पिए रहे होंगे, तो उस वजह से भी ये ज़्यादा इनको चोट लग गई, क्योंकि होश में नहीं थे कि संभाल पाते या कुछ नहीं होता, तो उनकी डेथ हो गई है। और ये दोनों लोग सराय मिसरानी के रहने वाले हैं, एक का नाम सुविधार बिंद है और दूसरे का नाम लपेटू बिंद। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।